छोले पूरी, छोले पूरी। हेलो गाइस, राजस्थान से, तो अब यार राजस्थान से भी अपने सब्सक्राइबर्स मिल चुके हैं, ठीक है। सो गाइस, इस स्टेशन में गर्मी में भी चाय बिक रही है, यहाँ पे पानी डाल डाल के बिक रही है भाई फुल, ठीक है। और जो चाय है वो तो बिल्कुल ही बेकार है, क्या ही बताओ। तो इससे बढ़िया आपका कहते हैं हल्दीराम का नमकीन और एक कोल्ड ड्रिंक पी लो, वो बढ़िया है। सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे आप सभी हो, सब सब बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया एकदम। सो आज के लोग शुरू करते हैं अपने घर से। जैसा आप देख पा रहे हैं मैं कल ही अपने घर आया था, एंड सीन कुछ ऐसा है कि यमुनानगर में बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई हरियाणा में, ठीक है, देहरादून के अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। एंड सीन कुछ ऐसा है कि मैं पहले क्लियर बात कर दूँ, ये जो व्लॉग होने वाला है ये कोई मोटर व्लॉग, कोई ड्रैग रेस, कोई डिम्प्लेस कुछ नहीं होने वाली, ये एक ट्रैवलिंग व्लॉग होने वाला है। सो जिसको ट्रैवलिंग पसंद है वो एंड तक देखे, और जिसको नहीं है वो अभी स्किप कर दे भाई, पहले जाता हूँ, ठीक है। तभी सीन कुछ ऐसा है, मैं जा रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ। सो ये मेरा पहला ट्रैवलिंग व्लॉग होने वाला है, कोई फैमिली के साथ होने वाला है। सो हम रियली एक्साइटेड, कैसे होने वाला कैसे नहीं मुझे नहीं पता। सो हम जा रहे ट्रेन में, और ये रही अपनी बाइक। तो चार दिन तक ये अपनी बाइक यहीं पर रहेगी, वो करी आराम, हम जाएंगे ट्रेन में। सो अभी दिखाता हूँ, मम्मी और अंदर रेडी हो रहे हैं, बैग वैग पैक कर रहे हैं। हमारी ट्रेन है 6 बजे, ठीक है, ट्रेन है 6 बजे, और अभी अराउंड 4 साढ़े 4 बज के होंगे, 5 बजने वाला होगा। सो हम निकलेंगे ऐसे 5 बजे, हमने जाना है स्टेशन, तो वहाँ से हम ट्रेन लेंगे, 6 बजे ट्रेन है। सो अभी तैयार होते हैं, उसके बाद मिलते हैं। सो भाई, जो मैंने अपना बैग पैर लिया रेडी, जो देख पा रहे होंगे अपना लैपटॉप, अपना गियर्स और अपना ट्राइपॉड व्राइपॉड सब रख लिया मैंने, ये सब रख लिया अपना, ठीक है। तो थोड़ा खाने पीने का सामान रख लेंगे बैग में, तो चलते हैं। और यहाँ पर मम्मी मारे खाना, और यहाँ पर बैग सब पैक हो चुके हैं, और मैं भी रेडी हूँ, और हम निकलते हैं बाहर, फिर मिलते हैं। ट्रेन स्टेशन यहाँ से दूर है, 4 से 5 किलोमीटर दूर है, और पापा ने वहाँ पर ऑलरेडी ऑर्डर रुकवा लिया है, ये मम्मी और पापा वहाँ पहुँच चुके हैं। सो हम जा रहे हैं सिर्फ 3 जने यहाँ पे, मेरा प्लान रैंडमली बना है, मम्मी का प्लान पहले से था। सो चलते हैं ऑटो में, फिर मिलते हैं। ट्रेन आ चुकी है और हम आ चुके हैं इसमें 7-9। सो गाइस, फाइनली आ चुके हैं सहारनपुर में, और यहाँ पे बहन और जीजा वेट कर रहे हैं, ठीक है। सो गाइस, अभी सीन कुछ ऐसा हुआ कि इस ट्रेन को जाना था 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे, बट ये आ गई है यहाँ पे 3 नंबर प्लेटफॉर्म में। सो बैनर को पता था कि वो 6 पे जा रही है, सो वो भागे भागे आ रहे हैं। सो जैसे आप देख पा रहे होंगे जी, और भागते भागते आ रहे हैं, क्या भाग रहा है, ट्रेन भाग रही है। ओहो, सीट आई है मिलने, चलो। तुम्हें अनाउंसमेंट नहीं पता लगी? मैं यहीं से तो वापस गया, यहाँ से। अच्छा अच्छा, पूरी नींद हम आए तो इसी पे, तो 3 रुपये। सो गाइस, सीन कुछ ऐसा है कि अभी जा रहा हूँ मैं स्लीपर क्लास में अपनी सीट देखने के लिए। वैसे हमारे पास 2 सीट है, एक S1 में है, सॉरी एक S2 में है, और जो मेरी वाली सीट है वो है S6 में है। सो काफ़ी ज़्यादा आगे पीछे है। सो अभी जो दूसरी सीट है S2 में, वो मेरी कजन सिस्टर की थी, बट उसका प्लान कैंसिल हो गया। द मेन थिंग इज़, अभी मैं सोच रहा हूँ कि TT से बात करके S2 में ले लूँ, क्योंकि वो जो मम्मी के जो मम्मी वाला जो जहाँ मम्मी हो रहा है उससे बहुत ज़्यादा दूर है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर TT से बात हो जाए तो S2 में मिल जाएगी, बट देखते अगर ना मिली तो मुझे S6 में जाना पड़ेगा। सो अभी बहुत लंबा रूट है, और चलते हैं। सीट मेरी वो ऊपर वाली है, ठीक है, बट यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा भाई, तो शूट करना ही मुश्किल है। सो गाइस, AC कोच में मुझे मिले अपने नवे दोस्त, जैसे देख पा रहे हो मैं, तो ये अपने भाई लोग। कौन सा बैग? दो बैग।
हमें भी पिलाओ ना, तभी तो मजा आएगी। अरे पैसा हम देंगे। मतलब पैक पिलाने रहे, दो पैक रह जा रहे हैं। क्यों, कहाँ से भी आप? राजस्थान है? राजस्थान से भरतपुर। तीनों सौ मेरा भाई लोग मिले हैं, ठीक है, इनसे जल्दी सब्सक्राइब करा लिया मैंने। तो ये भाई लोग आए राजस्थान से, तो अब यार राजस्थान से भी अपने सब्सक्राइबर्स मिल चुके हैं, ठीक है। दूसरे क्यों ले रहे हो? अपनी बोले मैं आ रहा हूँ गाड़ी पे भाई। बोले ना क्या बोले? दो पे ये टकलू महाराज, नमस्कार जी, क्या हो रहा है जी? घर वाले भी खुश रहती है, खुश रहती है, परेशान रहती है, पता नहीं दोनों है। सो गाइस अभी पहुंचे थे हम दिल्ली और यहाँ पे हो रही है बारिश, क्या मस्त मौसम हो रहा है। बट हाँ थोड़ा थोड़ा फिर भी गर्म लग रहा है, इतनी गर्मी देने का यहाँ पे। बट बाहर आ गए यार, लिटरली बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, सब देख पा रहे होंगे। तो यमुनानगर से बैठ के अब सीधा अब दिल्ली जाके उतरा हूँ मैं, काफ़ी सही लग रहा है। मैंने ट्रेन में बैठे बैठे यार भाई बोर हो गए थे यार, सीरियसली बता रहा हूँ। बाकी इससे पहले जो आपने बगचौती देखी ना, वो अपने यूएलए भाई थे, सारे स्टाफ के मेम्बर इतने भी आए। तो गाइस इस स्टेशन में गर्मी में भी चाय बिक रही है, यहाँ पे पानी डाल डाल के बिक रही है भाई फुल। छोले पूड़ी। बज रहे हैं सुबह के 2 और अभी हम पहुँचे आगरा में, जैसे देख पा रहे होंगे। तो ये है आगरा, 2:12 हो चुकी है, देख पा रहे हैं ऊपर। सो भाई स्लीपर क्लास में इतनी ज़्यादा गर्मी आना कि नींद में वो आई नहीं थी, मैं सोया था ऊपर सीट पे, तो पूरा चलो मुझे गिनती के 10 से 15 मिनट नींद आई है, उसमें मेरे पूरे कपड़े भीग गए पसीने पसीने से। तो बहुत मुश्किल है भाई स्लीपर क्लास में ट्रैवल करना इस टाइम, तो एसी क्लास में तो फिर भी सही है, बट यहाँ तो बहुत मुश्किल है। तो अभी 2:00 नींद आनी रही है। सो अभी जस्ट मैंने अपने लिए कुछ खाने ले लिया था ऊपर था, तो खाते पीते हैं, सुबह का वेट करते हैं। और लाइट भाग चुकी है भाई, ठीक है, तो मिलते हैं सुबह, मिस आओ। गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू? सो कैसा रहा आपका आज का सफ़र, सॉरी कल का सफ़र? बढ़िया। सो गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है, 2:07 और अभी क्या खाया हमने? अभी हमने खाया पोहा, जिसका 20 के 3 पोहा और समोसा खाया, और उसका मैं रिव्यू दिखाता हूँ भाई। कैसा था पोहा? बेहूदा। बेचने वाला कौन था? वो सामने वाला ध्यान से देखे बंदे को, पोहा के नाम पे चावल दे रहा है। अगर आप गुना स्टेशन पे आओ तो पोहा और समोसा भूल के मत खाना, इससे बढ़िया चाय बिल्कुल मत पीना, चाय भी पानी वाली। हाँ, और चाय है तो बिल्कुल ही बेकार है, क्या ही बताओ। तो इससे बढ़िया आप कहते हैं हल्दीराम का नमकीन और एक कोल्ड ड्रिंक पी लो, वो बढ़िया है। बट भाई भूल के भी चाय चुई मत पीना यहाँ पे, मतलब कुछ खाना ही मत यहाँ पे। बाकी आगे का सफ़र देखते जैसे कैसे रहता है कैसे नहीं है। सो गाइस फाइनली वी आर रीच्ड इन उज्जैन। सो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया बट हाँ स्टिल हम पहुँच चुके जैसे देख पा रहे होंगे। सो गर्मी के लेवल यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है। सो अभी नीचे जाएंगे और ऑटो वोटो लेंगे, वहाँ से ऑटो पकड़ेंगे, ऑटो बोलेंगे होटल।
सो गाइस फाइनली आ चुके हम रूम में। सो रूम देखो, रूम कुछ इस तरह का है। तो आज चला टीवी और पापा गए बाहर अभी, और मम्मी भी नहा रहे हैं। तो मैं नहा के रेडी हो चुका हूँ, तो देख पा रहा हूँ जैसे अभी। सो अब जाके थोड़ा चैन मिला, सीरियसली दारू बना। ट्रेन में इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना भाई, पूरा दिमाग खराब हो गया था, और ऊपर थोड़ा सा लेट भी हो गया। सो अभी थोड़ा सा आराम रूम करेंगे यहाँ पे, और शाम को निकलेंगे 4 से 5 या 6 5 6 बजे करीब निकलेंगे हम, तब की थोड़ा धूप धूप कम हो जाएगी। सो इस लोग कहीं पेन करते हैं ना, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। सो जाएंगे मंदिर में, वो दिखाऊंगा मंदिर आपको नेक्स्ट व्लॉग में। सो उस व्लॉग का थोड़ा वेट करना। सो इस व्लॉग में एंड करते हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू, टेक केयर, बाय।